जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आपको गूगल में सर्च करना है, एक न्यू वैकेंसी आई है। वैकेंसी नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, बहुत शानदार वैकेंसी दोस्तों। इस साइट पे आप क्लिक कीजिए, देखिए यहाँ पे, और ये जो नीचे जो साइट दे रखी है नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी, इस पे आप क्लिक कीजिए दोस्तों। इस पे लिखा हुआ रहा है उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, शानदार वैकेंसी। ये चीज़ आप देख लीजिए, देखो ये वो, देखो ये सेम वो आर्मी वाली जैसी वर्दी है, इसमें पूरा सिस्टम देखो, शानदार वैकेंसी दोस्तों। ये ट्रेनिंग कैलेंडर है इसमें, ये हमारे पीएम सर है अमित शाह। यहाँ देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, आप इस पर क्लिक कीजिए रिक्रूटमेंट। ये पूरा आपको नोटिफिकेशन दिखाता हूँ मैं दोस्तों, एक मिनट चालू रखिए आप। जो डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, एक मिनट। इसमें देखिए आप, नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस एकेडमी उत्तर पूर्वी पुलिस अकादमी, भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा वैकेंसी मेघालय में। देखिए एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखिए इसमें वैकेंसी पोजीशन क्या दे रखी है। इसमें एमटीएस कुक की, यूआर की दो पोस्ट हैं, जनरल ओबीसी की नहीं, एससी की एक है, टोटल तीन पोस्ट है इसमें। एमटीएस मसालाची की एक पोस्ट है और एक ही पोस्ट है। एमटीएस वाटर कैरियर की एक पोस्ट है, ओबीसी की, एससी की एक पोस्ट है। इधर पेमेंट का लेवल देख लीजिए आप, 18,000 से 56,900, और ये भर्ती है 12 तारीख, 12 दिसंबर को वैकेंसी है दोस्तों। ये पंप ऑपरेटर प्लम्बर, ये अलग अलग वैकेंसी और अलग अलग सैलरी इसमें देख लीजिए आप। 12 से लेके 19 तक वैकेंसी चलेगी दोस्तों, ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। टीए जैसी वैकेंसी है दोस्तों, ये ना ऑफलाइन ना ऑनलाइन, डायरेक्ट टोकन से आपको दौड़ना होगा। ये टोटल पोस्ट है आपको देख ली होगी, यहाँ देख लीजिए नीचे मैं बता दूँ आपको। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, एमटीएस कुक वालों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए, और एज का क्राइटेरिया 18 से 25 साल तक रहेगा दोस्तों इसमें। और इसमें देखिए आप, किचन का नॉलेज होना चाहिए, कुल मिला गया 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एमटीएस मसाल चीम इसमें भी देख लीजिए, 18 से 25 साल का है, सब कुछ देख लीजिए। नोटिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों आप। इसके बाद में फिजिकल का क्या जो क्राइटेरिया रहेगा इसमें, देखिए आप फिजिकल स्टैंडर्ड, मेल 170 हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157, जो एससी ओबीसी वालों के लिए, जनरल एससी ओबीसी एसटी वालों के लिए 162.5, और फीमेल की 150, ये हो गई आपकी हाइट। अब इसमें देखिए ये कॉन्स्टेबल मोटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिक, इसमें 18 से 27 साल तक एज, इसमें 10वीं पास होना चाहिए, और डिप्लोमा कॉन्स्टेबल बैंड की भी वैकेंसी है इसमें दोस्तों, शानदार वैकेंसी मतलब इसमें। अब इसमें रनिंग का जो दिखाता हूँ आपको मैं, एक मिनट, ये देखिए कॉन्स्टेबल जीडी, कॉन्स्टेबल बैंड, कॉन्स्टेबल एमटी, कॉन्स्टेबल एमटी मैकेनिक। इसमें रनिंग 1600 मीटर का टाइमिंग आपको 6 मिनट दिया जाएगा, और इधर फीमेल को 1 किलोमीटर का 6 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप है 11 फिट मेल के लिए, 11 फिट और 3 चांस मिलेंगे आपको। इधर 9 फिट है मतलब फीमेल के लिए, और 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप क्या रहेगा, 3.5 फिट रहेगा, 3 चांस मिलेंगे फीमेल को भी, वही 3 फिट 3 फिट रहेगा, इन लड़कों से आधा फिट कम रहेगा, और 3 चांस मिलेंगे, ये रहेगा दोस्तों इसमें। और इसमें जो रिटर्न का होगा, 100 नंबर का पेपर होगा, जनरल और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे दोस्तों इसमें, और नॉलेज मैथमेटिक्स की आएगी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, जनरल रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे, और 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 120 मिनट, यानी 100 क्वेश्चन 120 मिनट। ट्रेड टेस्ट में देखिए, इलेक्ट्रिशियन से आप भर रहे हो तो आपको कम से कम नॉलेज होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारा सिस्टम कॉन्स्टेबल दे दे रखे, आप कोई सी चीज़ से वैकेंसी देख सकते हो। और जो ये एड्रेस दे रखा है, यहाँ पे भर्ती होगी दोस्तों ये नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, उस माउ डिस्ट्रिक्ट आरआई भोई मेघालय, ये पिन कोड है 793-123, ये पिन कोड वगैरह दे रखे हैं दोस्तों इसमें। और ये CMO NFC, ये जो मतलब ये सर है, मतलब ये कमांडेड है उनके, ये तो ये नोटिफिकेशन देख लिया आपने, तो इस साइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, गूगल में आप सर्च कर सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न पुलिस अकेडमी, बहुत शानदार दोस्तों वैकेंसी, TA जैसी वैकेंसी है, जाना ना भूले। जय हिंद जय भारत।